हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ज्योतिष केक्स एंड बेक्स। आप सभी का अपने बेकिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी कंपोट, और कंपोट मैं बनाऊंगी आज चेरी का। और चेरी कंपोट कैसे बनाना है पूरा मेजरमेंट दिया है मैंने इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। शॉर्ट वीडियो मैंने पहले डाली थी अपनी शॉर्ट्स पे, लेकिन आज मैं आपके साथ फुल मेजरमेंट के साथ बना रही हूँ। तो चेरी कंपोट देख लेते हैं कैसे बनाना है। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और बनाते हैं चेरी कंपोट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये चेरी ली है, फ्रेश चेरी है ये, ब्लैक कलर की। आप रेड भी ले सकते हो, पर मेरे पास रेड वाली थी, ब्लैक वाली थी सॉरी, तो वो मैंने वो ली है। और इसके इस तरह से स्टेम निकाल देंगे और इसको बीच में से कट करेंगे इस तरह से, और इस तरह से बीच में से अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए इसको कट करेंगे, और थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए इसको इस तरह से रिमूव कर लेंगे। और जो दूसरा सीड आपको दिख रहा है उसको इस तरह से नाइफ से या किसी चीज से भी आप निकाल सकते हो। और इसी तरह मैं सारी चेरीज का जो है सीड्स जो है वो निकाल देती हूँ। इस तरह से सारी सीड्स निकाल देने और फिर हम इसका कंपोट बनाएंगे। तो यहाँ मैं जो है सारे सीड्स को निकाल देती हूँ। तो ये मैंने सारे साइड सीड्स जो है वो निकाल दिए अपनी चेरी में से। ये देखिए बिल्कुल भी सीड्स नहीं है, और इसका बनाते हैं हम, चलिए कंपोट बनाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे क्या क्या सामान चाहिए हमें चेरी कंपोट बनाने के लिए वो देखते हैं। चेरी ले ली है मैंने, तो ये है 290 ग्राम चेरी है, और 145 ग्राम मैंने पाउडर शुगर लिया है, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, और 1 पिंच जो है वो सिट्रिक एसिड है, और ये 1/4 कप मैंने पहले पानी दिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो एक पैन ले लेती हूँ, अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। तो सबसे पहले इसमें डाल दूंगी चेरीज जो हमने चॉप करके निकाल के रखे हैं सीड्स से, तो इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ। और इसके बाद डालूंगी अपनी पाउडर शुगर। पहले अच्छे से इसको पैन में फैला लेती हूँ, गैस अभी ऑन नहीं की है फ्रेंड्स मैंने। तो यहाँ पे पहले मैं जो ये पाउडर शुगर है जो वो मैं यहाँ डाल देती हूँ। आप चाहो तो कैस्टर शुगर है वो भी यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मल अपने घर पे जो है चीनी देके उसको पीस लीजिए इस तरह से, वो यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैंने 1/4 कप पानी लिया था, लेकिन अब उसका हाफ ले रही हूँ, 1/8 कप पानी ले रही हूँ। तो क्योंकि चेरीज में भी से भी काफ़ी पानी जो है वो निकलेगा। अब गैस को कर देती हूँ ऑन, और फ्लेम को लो करना है। तो लो फ्लेम पे ही अच्छे से इसको मेल्ट होने देना है, धीरे धीरे करके ये मेल्ट होगा। और देखिए चेरी में से ना बहुत सारा पानी जो है रिलीज होगा, अभी आपको कम लग रहा है, लेकिन जब ये चीनी के साथ जब मिक्स होगी और हीट होगा तो उसमें से काफ़ी सारा पानी जो है वो अपना चेरी से निकल जाएगा, जूस चेरी का। तो इसको पहले अच्छे से मिला देना है लो फ्लेम पे ही, और इसको अच्छे से चलाना है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और चीनी के मेल्ट होने तक का करेंगे, चलाते रहेंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से बॉयल आने पे और चेरी के सॉफ्ट होने तक हमको इसको पकाना है। तो अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ मैं, और गैस को मैंने फ्लेम को लो ही कर रखा है फ्रेंड। तो इस चेरी कंपोट से मैं फिर बाद में आपके साथ ना बहुत सारी रेसिपीज जो है वो शेयर करूंगी, क्या क्या बना सकते हैं हम चेरी कंपोट से। तो पहले मैं आपके साथ चेरी कंपोट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसके आगे फिर हम जो है और रेसिपीज अपनी देखेंगे हमें क्या क्या लगेगा इससे। तो अच्छे से इसको चलाते हुए देखिए ये बॉयल आना शुरू हो गया है, देखिए बॉयल आना अब शुरू हो गया है। और देखिए कितना सारा जो पानी है वो काफी रिलीज हो चुका है चेरीज में से। पहले देखिए कितना कम पानी हमने डाला था, और अब देखिए पानी कितना ज्यादा हो गया है इसमें। तो ये देखिए कितना सारा पानी जो है वो यहाँ पे देखिए आप चेरी में से निकला है, और हमने उस टाइम 1/8 कप मैंने पानी लिया था, और बाकी चेरी का ये जूस है जो चीनी के साथ कुक होने पे यहाँ पे निकला है, और इसको अच्छे से हमको और भी पकाना है। तो यहाँ मैंने एक बोल ले लिया, और इसमें ले लिया थोड़ा सा पानी, और इसके अंदर डाल दूंगी ये कॉर्न स्टार्च जो हमने लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको मिक्स कर लूंगी। तो अच्छे से मिक्स करके हमें इसकी स्लरी बनानी है, और इसको इसमें ऐड कर देना है ताकि जो जो जूस है ना वो थिक हो जाए, थिक कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पे चाहिए।
तो इसको मैं यहाँ पे मिला देती हूँ इसमें डाल के, और अच्छे से चला लेना है। और देखिए धीरे धीरे जो है जो ये जूस है वो थिक होने लगेगा। और इसको देखिए चेरीज हमारी सारी कुक हो चुकी है अच्छे से, और इसको मैश करते हुए भी आप अच्छे से पका लीजिएगा। तो यहाँ मैंने सारे जो चेरीज में अच्छे से मिला दिया है, और इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। यहाँ डाल रही हूँ मैं 1 pinch, ये जो है सिट्रिक एसिड है वो डाल रही हूँ मैं। इससे एक फ़ायदा होगा सिट्रिक एसिड डालने से, एक तो जो है चीनी जो है क्रिस्टलाइज नहीं होगी, और दूसरा ये है एक प्रिजर्वेटिव का भी यहाँ पे काम करेगा। तो ये दोनों तरीके से काम होगा, तो और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, तो ज़रूर आप बना के ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे ये कंपोट जो है हमारा बन के रेडी है। इसको 2 मिनट और कुक करूँगी, उसके बाद इसको ठंडा कर लूँगी निकाल के, और ठंडा करने के बाद ये इससे भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा थिक नहीं आपको पसंद है, तो आप पहले ही थोड़ा सा 2 मिनट कुक करके उसके बाद गैस ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने पे ये काफ़ी थिक हो जाता है। तो यहाँ अच्छे से मैं मैश करती जा रही हूँ और इसको अच्छे से चलाती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी आपने नहीं किया है तो। तो यहाँ ये हमारा चेरी कंपोट जो है वो बनके रेडी है। इसको आप केक में फिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ केक बना सकते हैं, बहुत सारी फिलिंग आप इसके साथ कर सकते हैं हर चीज़ में, कुकीज़ में, केक में। तो मैं भी इसके साथ आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो इस बोल में मैंने निकाल के इसको ठंडा कर लिया है, और ये देखिए हमारा ये ठंडा हो चुका है, और देखिए कितना थिक हो गया ये। इसलिए अगर आपको ज़्यादा थिक नहीं चाहिए तो पहले जो स्टेज है उस पर एक दो बार जब कॉर्नस्टार्च जो हम ऐड करते हैं तो उस टाइम पे आप इसको बॉईल करिए, और उसके बाद ही तुरंत ही ऑफ कर दीजिए, तो आपका जो है ज़्यादा थिक नहीं होगा। बट मेरे लिए इतना काफ़ी है।